कागज पत्र है फिर भी 5,000 मांगता है। मैंने गुंडागर्दी का हद हो गया है कि गाड़ी पकड़ाया, कागज से कोई मतलब नहीं है, आप 2,000 5,000 जो कह दिया आप उसको दीजिए, नहीं तो गर्दन पर हाथ लगा के गोलघर के पास जो बनाया गया है आज हजारों गाड़ियां वहां पर जो है जब्त है, ऑटो ई रिक्शा वो की रोड पे लगा के, ताकि रोड पे नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। ईमान नहीं है, एक दिन करेंगे जब स्टैंड ही नहीं रहेगा तो हम लगातार हड़ताले पर रहेंगे, गाड़ी ही नहीं चला पाएंगे, स्टैंड ही नहीं रहेगा, ताकि रोड पर आएंगे तो फाइन करेंगे, और फाइन एक दो पैसा नहीं होता है, फाइन जो है ना एक गाड़ी जब पकड़ाती है तो सरकार किसी गाड़ी को परमिट नहीं दिया है, परमिट मांग लेता है उस पर फाइन करता है सब गाड़ी का। कहाँ पुलिस चौकी बना रहा है, ट्रैफिक चौकी बना रहा है, इस गोलंबर पर 3 गो बन रहा है। मेरा कहना है कि 3 गो चौकियाँ बना रहे हैं, आप एक चौकी जो स्टैंड के मुंह पर बना रहे हैं जिससे स्टैंड का आगमन बंद हो जा रहा है, आप इसको कहीं अगर बगल में कर लीजिए, हमको से कोई इतराज नहीं है, ऐसे स्टैंड समाप्त हो जाएगा। जब ये स्टैंड खत्म हो जाएगा तो क्या गाड़ी हम लोग कहाँ लगावेंगे, सड़क पर लगाएंगे तो पुलिस फाइन करेगा। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को हम रेवेन्यू देते हैं, और हमको तंग किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसीलिए सरकार अगर हमारी बात को आज नहीं सुनता है तो हो सकता है कि इस हड़ताल को हम लोग आगे बढ़ा दें। नमस्कार, मैंने नाम देख रहे न्यूज 24, हमने आपको दिखाया किस तरीके से ऑटो चालकों के द्वारा यहाँ पर बोला सरकार के खिलाफ कदम उठाया गया था कि उन्होंने चेक पोस्ट हर जगह बना रहे हैं जिस कारण से, और हमने आपको दिखाया था कि कैसे करके यहाँ पर जो दिक्कतें हैं ऑटो ड्राइवर्स वालों की वो भी हमने आपको दिखाया था। आइए जानते हैं कि धरना देना शुरू हो चुका है, आइए जानते हैं कि धरना कब तक चलेगा और इसका सबसे कारण क्या क्या है। ये जो हड़ताल, ये जो आज संकेतिक हड़ताल है, ये संकेतिक हड़ताल है, हम लोग आज से 12 बजे शुरू किए हैं, चूंकि जीपीओ गोलंबर से लेकर के फुलवारी, खगोई, चितकोहरा, अनिसाबाद, ये तमाम इलाकों का गाड़ी बंद है, ये सरकार के कारण बंद है, इसीलिए बंद है कि हम लोग का स्टैंड यहाँ विधिवत स्टैंड है, बोर्ड भी लगा हुआ है स्टैंड का, और ये जिला प्रशासन के द्वारा दिया हुआ स्टैंड है, और सरकार यहाँ पुलिस चौकी बना रहा है, ट्रैफिक चौकी बना रहा है, इस गोलंबर पर 3 गो बन रहा है। मेरा कहना है कि 3 गो चौकियाँ बना रहे हैं, आप एक चौकी जो स्टैंड के मुंह पर बना रहे हैं जिससे स्टैंड का आगमन बंद हो जा रहा है, आप इसको कहीं अगर बगल में कर लीजिए, हमको से कोई इतराज नहीं है, ऐसे स्टैंड समाप्त हो जाएगा। जब ये स्टैंड खत्म हो जाएगा तो क्या गाड़ी हम लोग कहाँ लगावेंगे, सड़क पर लगाएंगे तो पुलिस फाइन करेगा। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को हम रेवेन्यू देते हैं, और हमको तंग किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसीलिए सरकार अगर हमारी बात को आज नहीं सुनता है तो हो सकता है कि इस हड़ताल को हम लोग आगे बढ़ा दें। और सरकार से हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सम्मानजनक सरकार समझौता करे, वार्ता करे, और जो स्टैंड ढंग से चल रहा है व्यवस्थित उसको चलने दे, सरकार में सहयोग करे, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को कठिनाई हो रहा है, आम नागरिकों की यात्रियों को परेशानी हो रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से आम यात्रियों से को हम खेद करते हैं कि आप लोग भी अपने स्तर सरकार को कहिए कि भाई आप बात करके इन लोगों से समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि हम लोग को आने जाने में कठिनाई हो रहा है, हम यात्रियों के साथ हैं, ये सरकार जिम्मेवार है आज का या कल जो होगा, तो सरकार इसको लंबे समय तक नहीं खींचे, समय रहते सरकार समझौता करे, बात करे और हमारी मांगों को पूरा करे। अच्छा, कब तक ये सांकेतिक हड़ताल करने का इरादा है? अभी तो 2 बजे से था, 2 बजे के लिए आ जाए ना। नहीं भाई, बता दे। अच्छा, जब तक कर सकते हैं, जब तक नहीं हटेगा, जब तक नहीं टूटेगा हड़ताल। कब तक ये सांकेतिक हड़ताल करने का इरादा है? ये इरादा तो सरकार के इरादे के ऊपर निर्भर करता है। आज मैंने सांकेतिक जो है एक सांकेतिक का मतलब कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किए हैं, 2 घंटा हम अपने रोजगार को बंद किए हैं। यदि आज शाम तक इसको जो है हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो ये हड़ताल लंबी चलेगी, इसका कोई जो है सीमा नहीं है। एक दिन करेंगे जब स्टैंड ही नहीं रहेगा तो हम लगातार हड़ताले पर रहेंगे, गाड़ी ही नहीं चला पाएंगे, स्टैंड ही नहीं रहेगा, ताकि रोड पर आएंगे तो फाइन करेंगे, और फाइन एक दो पैसा नहीं होता है,
फाइन जो है ना, एक गाड़ी जब पकड़ाती है तो सरकार किसी गाड़ी को परमिट नहीं दिया है, परमिट मांग लेता है, उस पर फाइन करता है, सब गाड़ी का कागज पत्तर है फिर भी 5,000 मांगता है। मैंने गुंडागर्दी का हद हो गया है कि गाड़ी पकड़ाया, कागज से कोई मतलब नहीं है, आप 2,000 5,000 जो कह दिया आप उसको दीजिए, नहीं तो गर्दन पर हाथ लगा के गोलघर के पास जो बनाया गया है, आज हजारों गाड़ियां वहां पर जो है जब्त है, ऑटो ई रिक्शा वो की रोड पे लगा के, ताकि रोड पे नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, आप जगह भी नहीं देते हैं, स्टैंड भी नहीं देते हैं, जो स्टैंड है उस पर भी आप चेक पोस्ट बना के पुलिस बैठाते हैं, ताकि हम लोग गाड़ी कहाँ से चलाएं, कहाँ बैठाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छा, सरकार का फैसला अगर आपके हित में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ? सरकार का फैसला आपके हित में नहीं आया तो क्या करेंगे? फिर आगे हम अपना सोचेंगे, जैसा होगा हम लोग मिलकर वैसा करेंगे। कब तक इरादा है ये करने का? उत्तर नहीं मिलेगा जब तक सरकार का, हम लोग के पास उत्तर नहीं मिलेगा जब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, ये हड़ताल जब तक जारी ही रहेगा। और हम लोग के तो यही सोचना है कि पैसेंजर हम लोग से डिस्टर्ब ना हो, लेकिन सरकार का सोचना क्या है वो आगे बताएंगे सरकार लोग। आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको अपडेट कराया कि हड़ताल देने का मुख्य कारण क्या है और कब तक हड़ताल चलेगा। इनका साफ कहना है कि हड़ताल चलता रहेगा, हड़ताल रुकने वाला है नहीं जब तक हमें सरकार की तरफ से हमारे हित में फैसला नहीं सुनाया जाता है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के हमारे साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन, कैमरामैन बिट्टू के साथ, धन्यवाद।